हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 45 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और डेट है जिसकी 17 अक्टूबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखिएगा, यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखिएगा। तो वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिल जाए, उसके लिए आपको वेट ना करना पड़े। तो ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट हम। हेलो स्टूडेंट्स, वी नो दैट डिटरमाइनर्स आर द वर्ड्स रिटन बिफोर द नाउंस। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, डिटरमाइनर्स। तो पिछली वर्कशीट में भी हमने डिटरमाइनर्स पढ़े थे, तो वही हम पढ़ रहे हैं आगे। इसमें बताइए कि डिटरमाइनर्स क्या होते हैं। डिटरमाइनर्स आर द वर्ड्स, डिटरमाइनर्स वो वर्ड्स हैं जो कि नाउन के पहले लिखे जाते हैं। ठीक है, एंड दे स्पेसिफाई आइडेंटिफाई और क्वान्टिफाई द नाउन और नाउन फ्रेजिस बी फॉलोइंग दैम। वो क्या करते हैं, वो स्पेसिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई मतलब उसका पहचान बनाते हैं, और उसकी जो वैल्यू होती है उसमें क्वान्टिफाई मतलब उसको विस्तार में बताते हैं कि नाउन क्या है, और या फिर नाउन फ्रेजिस के बारे में जो भी उसके पीछे आते हैं उसके बारे में हमें अच्छे से पढ़ाते हैं। जैसे आगे एग्जाम्पल दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल इन द सेंटेंस दिस इज माई बुक, बुक इज ए नाउन एंड द वर्ड माई टेल्स दैट द बुक बिलोंग्स टू द मी। ठीक है, जो ये माई बुक लिखा हुआ है, तो बुक के एक नाउन है और माई के एक डिटरमाइनर है। ये किसके आगे लगा हुआ है, नाउन के आगे। जो वर्ड्स नाउन के आगे लगाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, डिटरमाइनर्स। और ये क्या बता रहे हैं कि ये मेरी बुक है। अगर मैं लिखूँ दिस इज बुक, यह बुक है, अगर मैं ये लिखूँ दिस इज माई बुक, तो स्पेसिफाई करे किसकी बुक है, तो दिस इज माई बुक। द वर्ड्स माई रेफर्स टू ए बुक विच इज माइन, तो बुक वो कौन सी को रेफर करे जो मेरी बुक है। ठीक है बच्चों, तो डिटरमाइनर्स मेनली हैव टू फंक्शंस। डिटरमाइनर के दो काम होते हैं, रेफरिंग टू ए नाउन एंड क्वान्टिफाइंग द नाउन। एक तो वो नाउन को की तरफ रेफर करता है कि मैं किस नाउन के बारे में बात कर रहा हूँ, या फिर क्वान्टिफाई कर रहा है नाउन को कि उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बात हमें बताता है। लेट अस अंडरस्टैंड द नाउन एंड लेट अस अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ डिटरमाइनर। अब हम डिटरमाइनर के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या वो काम करता है। फर्स्ट, इसका काम है स्पेसिफाइंग डेफिनेटनेस ऑफ नाउन। वो ये बताता है कि नाउन की एग्जैक्ट अमाउंट क्या है, वो डिफाइन करता है, डेफिनेट करता है। तो उसके लिए हम कौन कौन से डिटरमाइनर यूज़ करते हैं, ए एंड द, तो ये क्या आर्टिकल्स भी कहते हैं इनको, तो ये हम, ये क्या हमारे पास डिटरमाइनर है। सेकेंड है डिमोन्स्ट्रेटिंग वेयर एन ऑब्जेक्ट इवेंट और पर्सन इज इन रिलेशन टू द स्पीकर। ये बताता है कि जो ऑब्जेक्ट है या कोई भी घटना है या कोई आदमी है, वो जो बोलने वाला है वो किससे रिलेट कर रहा है, किसके साथ, उसके साथ क्या संबंध है। तो इसके लिए क्या है, दिस डैट दिस दोस डिमोन्स्ट्रेटिव। अगर मैं कहूँ दिस मैंगोज, दिस मैंगो, ये वाले मैंगो, तो जो मैं जैसे बोल रही हूँ तो ये किसके बारे में बात कर रही हूँ, इस वाले मैंगो के बारे में बात कर रही हूँ। अगर मैं कहूँ कि दिस मैंगोस आर वेरी टेस्टी, तो मैं किसके बारे में बात करूँ, इन वाले मैंगोज के बारे में बात कर रही हूँ। तो डिमोन्स्ट्रेट करता है मतलब एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में हमें बताता है। नेक्स्ट इज शोइंग ओनरशिप रिप्रेजेंटिंग द पोजेशन ऑफ समवन समथिंग और प्लेस। ये हमें क्या बताता है, ओनरशिप, कि इसका मालिक कौन है या किसके पास ये चीज़ है, वो इस, वो हमें ये बताता है। जैसे माई, दिस बुक इज माई, योर, इट्स, हीज, हर, देयर्स, और, ये क्या पोजेसिव डिटरमाइनर, जो किसी का ओनरशिप के बारे में बताता है। दिस फ्लैट इज ओर्स, ठीक है, ये ओर्स क्या, इसमें ओनरशिप बता रहा है। नेक्स्ट हमारे पास इन्फॉर्मिंग अबाउट द क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ ए नाउन। ये क्या बताता है, किसी भी नाउन की क्वांटिटी की कितनी मात्रा है और कितना उसका संख्या है, वो ये कितनी उसकी अमाउंट है और क्वांटिटी बताता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसमें एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताई जाती, मतलब क्या है, इसमें काउंटिंग नहीं होती, इनफ, सम, फ्यू, लिटल, मैनी, मच, अलॉट, एनी। इनफ काफ़ी मात्रा में, सम थोड़ा, फ्यू थोड़ा, लिटिल बहुत थोड़ा, मैनी ज़्यादा, मच ज़्यादा, ठीक है, अलॉट ऑफ काफ़ी मात्रा में, एनी कोई भी, एनी फ्रूट्स, कोई भी फ्रूट, ऐसे बोलते हैं ना, तो यह क्वांटिटी बता रहा है हमें, ठीक है, लेकिन ये एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बताता है। इन्फॉर्मिंग अबाउट द नंबर ऑफ नाउन, ये हमें नंबर्स की किसी भी नाउन के नंबर्स बताता है कि कितने नंबर्स में वो है, जैसे 1, 5, 10, 11, ये क्या नंबर्स है,
जैसे मैं कहूँ 10 apples, तो इससे मैं पता चल जाता है कि एग्जैक्ट कितने एप्पल हैं, 10 apples है। अगर मैं ये कहूँ फ्यू एप्पल्स, तो फ्यू एप्पल्स किस में आएगा, फोर्थ वाले पार्ट में आएगा, कि उसकी हमें एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता कि कितने एप्पल्स है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्रेसिंग हाउ समथिंग इज शेयर आउट और डिवाइड। डीड ये बताता है कि कोई भी चीज़ किस प्रकार डिवाइड की जाती है या शेयर की जाती है, उसके लिए हम ये वाले डिटरमाइनर यूज करते हैं। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ऑल एंड बोथ। ईच मतलब प्रत्येक को मिलेगा, ईच पर्सन, एवरी पर्सन, आइदर या तो इसको मिलेगा या फिर उसको मिलेगा, नाइदर किसी को भी नहीं मिलेगा, ऑल मतलब सबको मिलेगा या फिर बोथ दोनों को मिलेगा। तो उसके लिए हम क्या डिटरमाइनर यूज करते हैं, ये वाले। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन अबाउट ए नाउन। जब हम किसी नाउन के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं तो हम ये वाले डिटरमाइनर यूज करते हैं, विच, हुज एंड व्हाट। विच मतलब कौन सा, हुज किसका, एंड व्हाट मतलब क्या। तो ये सभी हम डिटरमाइनर यूज करते हैं फॉर द क्वेश्चन ऑफ नाउन। तो आगे हम देखते हैं, इसमें हमें कुछ फिल द ब्लैंक्स दिए गए, वो हम देखते हैं। बीना, नमस्ते दीदी, व्हाट डू यू वांट टू बाय टुडे। तो ये दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, तो ये पूछ रहे हैं कि आप, ये है बीना, तो ये इसको नमस्ते करते हुए कहती है, मतलब ये बीना है, मतलब जो भी है ये खरीद रही है, मतलब ये खरीद रही है, ये खरीद रही है और ये बेच रही है। ठीक है, तो इसमें बीना पूछती है, नमस्ते दीदी, व्हाट डू यू वांट टू बाय। वो पूछती है कि दीदी आज आप क्या खरीदना चाहती हो। अजाया कहती है, नमस्ते बीना, आई वांट टू बाय डैश बनाना। तो क्वांटिफायर इसमें हमें यूज करना है। क्वांटिफायर के लिए हमें क्या था, ये हमारे पास क्वांटिफायर थे। तो क्वांटिफायर हमारे पास क्या थे, ये वाले। तो इनमें से हम क्या लेंगे कि वो कुछ, आई वांट टू बाय डैश बनानास, कितने बनानास, अमाउंट हमारे पास नहीं होगी इसमें, तो इसमें हम लिखेंगे सम बनानास, आई वांट टू बाय सम बनानास, मैं कुछ बनाना खरीदना चाहती हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास बीना, सी डैश बनाना आज फ्रेश। तो वो कहती है कि ये बनाना फ्रेश है, इसके लिए हमें क्या यूज करना, डिमॉन्स्ट्रेटिव। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव हमारे पास कहाँ था, ये रहा। तो बनाना कोई एक तो खरीदेगा नहीं, ज़्यादा खरीदते हैं, तो इसका लिखेंगे दीज। तो दीज बनानाज आर फ्रेश, तो इसका आंसर रहेगा दीज। नेक्स्ट है हमारे पास अजाया, यस, पैक डैश बनानाज। अब जैसे मैं खरीद रही हूँ तो मैं एग्जैक्ट अमाउंट बताऊंगी कि मुझे कितने बनाना चाहिए, तो मैंने इसे कहा पैक 10 बनानाज, क्योंकि इसमें नंबर हमें दिखाना है, पैक 10 बनानाज डैश फ्रूट इज डेट। तो वो इंटरोगेटिव है कि वो पूछ रही है कि अब ये फ्रूट कौन सा है, तो इसमें हम लिखेंगे व्हाट, कौन सा फ्रूट है ये, व्हाट फ्रूट इज दिस, ये कौन सा फ्रूट है, व्हाट फ्रूट इज दैट, ये फ्रूट क्या है। नेक्स्ट पूछती है बीना, दीदी डैश फ्रूट इज ड्रैगन फ्रूट, डिमॉन्स्ट्रेटिव। तो वो इशारा करते हुए बताती है कि ये फ्रूट ड्रैगन फ्रूट है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव में हम क्या कहेंगे, दिस मतलब यह फ्रूट क्या है, दिस तो नहीं आ सकता क्योंकि एक ही फ्रूट के बारे में बात हो रही है, तो दिस फ्रूट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास अजाया, व्हाट इज डैश कॉस्ट। तो वो उसकी कॉस्ट पूछती है, तो आर्टिकल यूज करने हैं, तो वो क्या पूछेगी, व्हाट इज द कॉस्ट। तो वो क्या पूछती है, इसकी कॉस्ट क्या है। ठीक है, बीना, इट इज रुपीज 350 पर केजी। वह बताती है कि 300 रुपये पर किलो। अजाया फिर पूछती है, आई एम नॉट बाइंग इट, हाउ डज इट टेस्ट लाइक। मैं इसे खरीदना नहीं, मुझे इसे खरीदना नहीं है, प्लीज़ आप बता दीजिए कि इसका टेस्ट कैसा होता है। तो बीना बताती है, इट टेस्ट लाइक डैश मिक्स ऑफ कीवी एंड पियर। तो वो बताती है कि इसका जो टेस्ट होता है, कीवी और पियर का जो मिक्स टेस्ट होता है, वैसा टेस्ट होता है। तो इसमें हमें आर्टिकल्स यूज करना है, तो आर्टिकल इसमें हम क्या यूज करेंगे, हमारे पास आर्टिकल होते ए, एन और द। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, तो इसमें हम करेंगे इट इज द, इट टेस्ट लाइक द मिक्स, इट टेस्ट लाइक द मिक्स ऑफ कीवी एंड पियर। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, गिव मी हाफ केजी ऑफ डैश कीवीज एंड पियर। तो वो कहती है कि मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव में हमारे पास कौन कौन से नाउन होते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कहाँ था हमारे पास, ये। तो इसमें हम क्या, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ऑल और बोथ, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या, एंड, एंड के साथ हमेशा बोथ ही यूज करते हैं, और बोथ हमारे पास यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, बोथ। गिव मी हाफ केजी ऑफ बोथ कीवी एंड पियर्स। तो मुझे दोनों के आधा आधा किलो दे दो, कीवी भी मुझे आधा किलो दे दो, पियर्स भी मुझे आधा आधा किलो दे दो। बीना, एनीथिंग एल्स दीदी। तो पूछती कुछ छोटी चाहिए दीदी आपको।
अजय कहती नो बीना थैंक यू आई हैव बोट डैश फ्रूट्स टुडे, आई हैव बोट मैंने आज बहुत फ्रूट खरीद लिए हैं। तो इसमें बने क्वांटिफायर, क्वांटिफायर तो क्वांटिफायर हमारे पास ये थे, तो इसमें क्या आएगा इनफ। ये नहीं कह सकती कि मैंने कुछ फ्रूट लिए, मैंने ये कहेंगे अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि आपको खाना खाना है तो कहेंगे मेरा पेट भरा है, तो वही पूछे कि अगर आपको और फ्रूट खरीदने तो क्या कहेंगे, नहीं मैंने आज के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूट खरीद लिए हैं। इनफ मतलब काफ़ी मात्रा में फ्रूट खरीद लिए हैं। ई एन ओ यू जी एच आई हैव बॉट इनफ फ्रूट, मैंने जितने चाहिए थे उतने फ्रूट मैंने खरीद लिए हैं। नाउ प्लीज़ वे एंड पैक डैश फ्रूट्स, तो कहती प्लीज़ इनका वेट कर लो और पैक कर दो फ्रूट्स को। तो कौन से फ्रूट को पैक करने हैं, ऑल फ्रूट्स। डिस्ट्रीब्यूटिव में हम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं हमारे पास। तो ये क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव में, तो इसमें क्या आ सकता है कि आप सारे के सारे फ्रूट्स को पैक कर दो। तो फ्रूट तो नहीं है क्योंकि उसने फ्रूट्स काफ़ी लिए हैं, ठीक है। पहले उसने बनाना लिए, फिर पियर्स लिए और फिर उसने ये कीवीज लिए, तो सारे फ्रूट्स को कह रहा है कि पैक कर दो, प्लीज़ पैक ऑल द फ्रूट्स, ठीक है बच्चों। तो समझ में आई होगी ये वर्कशीट आपको, अगर आपको समझ में आई वर्कशीट अच्छी लगी है तो आप मेरी यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।